यार एक तो पता है मेरा व्लॉग ना सब लोग सप्रेस करना चाहते हैं। सब लोग आते हैं मेरे व्लॉग में, कहते हैं भाई मेरा ये काट दियो, मेरा ये काट दियो। एक तो व्लॉग डालो उसमें पहले 50 चीजें कटवाओ लोगों से। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू व्लॉग। ये शादी का व्लॉग शुरू हो चुका है और अभी हम लोग आए हैं बैचलर्स पार्टी से, जो कि मेरे भाई की थी जिसकी शादी है। उसने गाली खाई है घर से, वो उल्टी अभी सुनने आ चुका है। तो इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये है कन्हैया जिसके फ़ोन से हम लोग ये कर रहे हैं। और बहुत अच्छा हुआ कन्हैया ने ये फ़ोन खरीद लिया है, क्योंकि अब कन्हैया को मैं रगड़ने वाला हूँ पूरी शादी इस ब्लॉग के लिए, क्योंकि मैं कैमरा लेके नहीं उतरूंगा। अगर मैं कैमरा लेके आया शादी के अंदर तो मेरे को पक्का पता है मेरी माँ वो पहली इंसान होगी जो बोलेगी मेरी फोटो खींच दे। और अगर मैं नहीं खींचूंगा, मम्मा भाई लड़ जाती है भाई, किलस जाती है, बात नहीं करती 2-3 दिन। भाई मैं कहीं बह गया था। ये जो राइट में है ये पब्लिक एडवोकेट है, तेरी तेरी ही बात कर रहा हूँ। लेफ्ट में हूँ ना? नहीं, तू राइट में है, मैं लेफ्ट। कितने रेपटे लगेंगे ना इसके, ये भी ब्लॉग में डालोगे? ये मैं डालना, बेइज्जती हो जाएगी। तो बहुत तेरी इज्जत है गाइस, ये भी पी के आ रहे गाइस। ऐसा कुछ नहीं है, ये लेफ्ट में मेरे चाचा बैठे हैं। और आज है हमारे भाई की सगाई, यहाँ पे हमारे साथ है हमारी खपीटर गैंग। मैं तो दिखाता हूँ कि उसका विशु का शूट हो रहा था, मैं दिखाता हूँ पहले। आ जाओ, यहाँ नहीं हो रहा भाई उस रूम में, गलत, अभी अभी गलत रूम खोल देता तू। वह भाई दिखान तो दे। से हाय टू द व्लॉग, लेट्स गो गाइस, इट्स एंट्री टाइम। ये है अतुल चाचा, ये है गांधीनगर के एक बहुत ही जाने माने। अरे यार ये क्या है, यार ये क्या है? इनसे मिलो। ये है कप्तान साहब, इन लोगों ने हमारी जगह ले ली है। एक एक को पकड़ के मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। हटो ए, हटो हटो भाई, सबने देख लिया इसकी एंट्री स्पॉइल हो चुकी है, 4 बार चक्कर लगा चुका है। ये छपरी बहने जो डांस करेंगी, और ये है दुनिया की सबसे खुश औरत जो मैंने देखी है। ये व्हाट्सएप स्टेटस पे इतना खुश रहती है, इसको देख के मैं खुश हो जाता हूँ। पीटी हो गई गाइस, पीटी हो गई। मैंने बुलबुल किसी के शेक में यहाँ थूक दे, किसके लिए करना? मैं ऐसे कर दे, रैंडमली किसी के में भी कर दे, पसीना डाल दे, जुराब डाल दे अपनी। गाइस व्लॉग में आ चुके हैं मिट्टू भैया, लेट्स गो। मिट्टू भैया यहाँ पे सारा काम देख रहे हैं, कुछ बता दो यार, इतने बकचोद हो वैसे तो आप। शर्म नहीं आ रही इधर से, रहन दे, 5 साल लड़ा हूं। I forgot to introduce you, this is Kino. Hello, बोल दो, hi. इसे बस बाल नोचना पसंद है। इधर देखे, hello. 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 Wow. इसे किसी ने नजर लगाई तो सुअर बना दूंगा उसका मैं। ये देखो ये पागल, यार बोल मटोल। हाय रे मेरी मोटो। अरे भाई मेरी बात सुन। हाँ बताओ। Yo. कुछ मैसेज दे दो गाइस को। I beg to say that I cannot come to school from tomorrow as it's my brother's wedding. जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, मिट्टू भैया गैंगस्टर आदमी है, मिट्टू भैया के 4 वो चलते हैं। गांधीनगर का अगर नाम सुना हो आपने तो गांधीनगर में बहुत बड़ा काम है इनका। अबे क्या कर रहा है यार, इसे देखो इसकी शादी है, क्या करेगा ये? पार्टी करके आऊंगा के मुंह पे पार दूंगा। हमें पार्टी करनी है, हम तो पार्टी करेंगे आज। और ये ब्लॉग अगर घर वाले देख रहे हैं तो हम मजाक कर रहे हैं, ये सिर्फ व्यूअर्स को पागल बनाने के लिए। वाओ देख सकते हो सब, आज चल रहा है हल्दी का फंक्शन। माहौल चेंज हो चुका है, हम लोग आ चुके हैं मेहंदी में। जैसा कि आप देख सकते हैं सब लोगों ने पहना हुआ हरा, ये वो हरा हरा, ये एक है इनका इनका इवेंट है। और एक देखो ये स्कूल से छुट्टी करा के आ रहे हैं अभी अभी, अभी 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 छुट्टी हुई है इनकी। दोस्तों क्या बनवा रहा है ये, थोड़ा धार्मिक इंसान है, मेहंदी में भी सिस्टम बनवा दिया है। दोस्तों हुक्के के बिना कोई भी पार्टी फंक्शन हमारा होता नहीं है।
ये जो हमारे भाई हैं ये बहुत ही भयंकर भाई हैं और ये हुक्के लगा, ये हुक्का लगाने वाले नहीं है, ये दोस्त हैं मिट्टू भैया के, ये आ गए हैं मदद करने के लिए। आज फंक्शन चल रहा है उसके बीच में तो हुक्के जा रहे हैं से निकालना है नहीं बस देखो यहाँ हुक्का लगा हुआ है और अंदर हमारा पूरा खानदान है डिस्प्ले पे जो जो आए देखे। हाँ बोलो बोलो दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि शादी कह रहा हूँ मतलब मेहंदी में फोटोज खिंचवाना कितना जरूरी होता है, तो हम लोग भी यहाँ फोटोज खिंचवा रहे हैं। मेहंदी लगवाना कसम से भाई बहुत डिफिकल्ट काम है भाई, इसमें तकलीफ मेहंदी जो कितनी सुंदर लगवाई है। लीशु को देख के मेरा मन हो रहा है कि मैं भी शादी कर लूँ। और इसने भी देखो क्या सीधा करना हाथ है, नेताजी का लड़का लिखवाया इसने, नेताजी का लड़का। मोहित भैया प्लीज अपने बारे में कुछ तो बता दो, मेरा व्लॉग है। क्या बताऊँगा, मल्टी टैलेंटेड पर्सन मोहित भैया, बहुत खतरनाक दिखते हैं वैसे तो देखो, लेकिन है बहुत क्यूट आदमी। खाना खाओ नॉर्मली, ऐसे आ गया। अपने बारे में बताओ। मैं सबसे बड़ा बकचोद हूँ, दिल्ली में एंट्री ले ली मैंने। भाई ये देखो, ये नेता आपका वापस आ चुका है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। भाई तुमने क्या करवाया दिखाना जरा। भाई ये देखो, ये तो औरत जात है भाई। भाई का नाम चलता है गांधीनगर में, पूरा पूरा नाम बताओ। अमन। अमन पूरा नाम? अग्रवाल। अमन अग्रवाल क्या? अमन अग्रवाल व्यापारी। भाई अपना इंस्टाग्राम बताओ ना। नाम तो सुना ही होगा। चाचा थक चुके हैं, चाचा इज इन रिलैक्सिंग मोड। आज चाचा ने बहुत सारी दारू सप्लाई करी है। ये वाला पार्ट लोग अक्सर स्किप कर देते हैं, बट ऐसे जब जगह की कमी होती है तो देखो गद्दे वद्दे गाड़ी में भर के आते हैं। पूरी सफारी भरी हुई है, ये भी भर के आई है स्विफ्ट भी। ये देखो अब सारे लौंडे मेहनत करेंगे गद्दे उतारने के लिए। करो करो लड़को। दोस्तों दिस इज द नेक्स्ट डे और देखो गाड़ी की हालत देखो, ऐसे एक बार ऐसे यूं दिखा जाके जो कितने ठूसी पड़ी है गाड़ी। देख नहीं रहा, अभी भी कमी नहीं है, अभी भी एक जना और आ रहा है। दो अच्छा हाँ डेढ़ लोग आ रहा है। चलो ठीक है भाई, कन्हैया घर जा रहा है। आज कन्हैया के साथ हमने बहुत सारा एडवेंचर कर लिया। क्या करा बताइयो? कुछ नहीं, गाड़ी में बैठा मैं 3 घंटे बर्बाद करे सरोल बाग में, ट्रैफिक में अटका और कुछ नहीं किया, दिमाग खराब हुआ और कुछ नहीं। और मम्मी से डांट खाई? हाँ मम्मी से डांट खाई। भैया इनसे मेरी लड़ाई हो गई है तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ऐसे इशारों में बातें करते हैं। इशारों में बात कर लो, आ जाओ। ओह फक भाई, हाँ इन्होंने देखो क्या लिखवाया था, इन्होंने अपने होने वाली बीवी का नाम लिखवाया है, नाम जो कि है कट्टू जी। देख सकते हो वहाँ पे हो रही है उसकी, क्या बोलते हैं इसको, रिबन कटिंग। इसको बोलते हैं रिबन कटिंग, जो कि एक नया चलन है पैसे कमाने के लिए करते हैं। ये लड़की वाले पैसे कमाने के लिए करते हैं। क्या ब्लॉग है? अरे अतुल चाचा हट जाओ यार, मेरा ब्लॉग अंदर हटो। ये देखो गाइस, कल मैंने बताया था कि इन्होंने जिनका नाम लिखवाया था कट्टू, शी इज कट्टू गाइस, एंड इनकी शादी अगले साल इनकी शादी का ब्लॉग आएगा। बुलबुल तुम वो व्लॉग में हो फिर से। यार मैं कैमरा मैन हूँ ना शादी वाला, तो खाना खाते तो घुसता है। गाइस ये वो मोमेंट है जब एक शादी में ऐसे बड़ी सी टेबल लगती है ना।
चली ही जा रही है और इन लोगों को उस टेबल में जगह नहीं मिली, तो इन लोगों ने सोचा कि हम अपनी टेबल ले लेते हैं। दीज आर द ग्रेट्स, द ग्रेट्स देमसेल्फ, नेताजी। और ये हमारे चाचा हैं, चाचा टकलू। बहुत बढ़िया भाई। तो जो कन्हैया है उसका प्रॉब्लम ये है कि ना, कन्हैया और मैं बचपन से सिर्फ शादियों में मिलते हैं, और कन्हैया एकदम से निकल जाता है शादी से, और फिर मुझे मिलता है अगली शादी पे जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखो दोस्तों, इसे कहते हैं वेडिंग शूट। क्या भाई, ये क्या है? इतने बंदे सिर्फ ये शूट कर रहे हैं, देख रहे हैं? एक शॉट बनाया है, उसी को पूरा निचोड़ लेंगे ये लोग भाई। तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सीन है। मिट्ठू भैया बैठ गए हैं, मैं किसी को नहीं लेता ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग में से तुम आओ। क्या हाल है मेरे भाइयों? पट्टी पड़ी है भाई, पैरों में इतना दर्द हो गया। तुम मेरे से मालिश वालिश कर दे पैरों की, तो भाई मेरे से संपर्क करे। देखो चाचा ने अपना गेटअप उतार दिया। नहीं, होम मोड एक्टिवेटेड। बहुत बढ़िया, चाचा मेहड़ा बन चुके हैं। चाचा मेहड़ा बन गए सब जगह। देखो आलस फैला पड़ा है। ये कप्तान साहब। हाय, हेलो फ्रेंड्स। कप्तान साहब मेरे को हर थोड़ी देर में याद दिलाते हैं, अबे तेरा व्लॉग कहाँ है? अबे तेरा व्लॉग कहाँ गया? गाइस, मोहित भैया ने पिए शराब की पूरी चार बोतलें। मोहित भैया कुछ कहना चाहोगे आप? चार बोतलें पी के इंसान क्या ही बोलेगा आप? पीने के बाद भी मोहित भाई कुछ बोलेंगे क्या? भाई मैं कह रहा था, तुम लोगों ने मेरा लुक तो देखा ही नहीं आज का। गाइज ये है महंगा भाभी। महंगा भाभी का नाम महंगा भाभी इसलिए है क्योंकि ये बहुत महंगी है। महंगा भाभी अब क्या करते हो वैसे, एक बार ब्लॉग में बता दो। एस्ट्रोडॉग पे एस्ट्रोलॉजी करती हैं। और ये हैं, ये कुछ नहीं करती हैं, ये बस इंतजार कर रही हैं कि एक अमीर लड़का आएगा, इनसे ब्याह करेगा और इनकी जिंदगी संवार देगा। तभी तो मारे बाहर वाली और अंदर वाली का बब क्यों बंद कर रहे हो? पूरा रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करूं? पूरा करो ना रिकॉर्ड। क्या? हाँ बता दो भाई। यही क्या? बाहर वाली और अंदर वाली, दिल्ली वाली और बाहर वाली। क्या चल रहा है बुआ यहाँ पे? शादी हो रही है। शादी तो हो ही रही है, चार घंटे शादी हो रही है। क्या फेरे हो रहे हैं? गाइज ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो न्यू भाभी एंड ओल्ड भाई है वो लोग आ चुके हैं, हमने लेके आ चुके हैं घर। और चुन्नू दीदी अब अपना मुंह छुपा रही है पूरा दिन अपना मुंह दिखाने के बाद। और मेरे को मिलने वाला है बहुत सारा कैश। मैं लिफाफा चेक करूंगा, गिनूंगा, उसके बाद गेट खोलूंगा। भाई एक में तो मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा यही तेरे, तू ऊपर जाने से पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। यहाँ हमारी इनसे पहले जो हमारी इमीडिएट भाभी, मतलब इनसे पहले जो भाभी थी, टू ईयर ओल्ड भाभी हमारी लेटेस्ट भाभी का वो कर रही है वेलकम। और लेटेस्ट मॉडल हमने अभी लेटेस्ट मॉडल आ रहा है। नहीं मुझे तेजस है। सॉरी चुप हो जा, पैसे मिलने दे मुझे। मेरी सबसे कुछ मतलब नहीं है पैसे। तो यार मैं कह रहा था कि ये बहुत ही अब्रप्ट ब्लॉग था, जैसे मेरे सारे ब्लॉग होते हैं। हमारे साथ बैठे हैं हमारी भाभी के छोटे भाई और हमारी भाभी के कज़न भाई। हम भाई ये छोटे हैं, दोनों छोटे हैं। और इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करना चाहता हूँ भाई। मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ चार दिन से। प्लीज़ इस ब्लॉग को बंद कर दो कन्हैया और मुझे जीने दो।